यहां विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने बिजली बिलों को लेकर सरकार को जमकर घेरा, जहां कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस ने बिजली के बिलों को लेकर सरकार को घेरा। ध्यान आकर्षण करने के माध्यम से पीसी शर्मा ने यह विषय उठाया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में ही जिनके घरों में बिजली के कनेक्शन के दावे किए हैं, उन्हें भी बड़ी राशि के बिल थमाए जा रहे हैं। अस्थायी कनेक्शन के नाम पर किसानों और आम आदमियों को लूटा जा रहा है। उनकी इस बात का समर्थन करते हुए विधायक फूंदेलाल मार्को ने कहा कि हमारे क्षेत्र में भी बिना कनेक्शन आदिवासियों को बिजली के बिल दिए गए हैं और यह हजारों रुपए के आ रहे हैं। तरुण भनोट ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी उपभोक्ता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली नहीं दे रही। पैसे दिलाए जिसका कनेक्शन सीमा राठो 63,000 का, दूसरा 100 रुपए 100 यूनिट कमलनाथ जी की सरकार में आता है। आज वो बिल 3,000, 4,000, 5,000 झूठी घोषणा की कि हम 100 रुपये सारे दे रहे हैं। 100 रुपये लें तो 100 से 150 से ज़्यादा बिल नहीं आता, लेकिन नॉर्मल आदमी का जो कम बिजली जलाता है वो भी 3-4 हज़ार जैसा। अस्थाई करेक्शन देते हैं जिसके पैसे बहुत लगते हैं, स्थाई नहीं देते। स्थाई इसलिए देते कि इनको पोल लगाना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, पोल लगाना नहीं चाहते, इसलिए अस्थाई कनेक्शन दे के पैसा देते हैं। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने सुरक्षा नहीं संरक्षण मांगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय संरक्षण दीजिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी लगातार गलत जवाब दे रहे थे। और मैं तो ये प्रश्न आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जब 2020 तक कमलनाथ जी की सरकार थी, आपका बिजली का बिल जितना आ रहा था और आज कितना आ रहा है। हर व्यक्ति बिजली के बिल से परेशान है पूरे मध्य प्रदेश में, छोटे से लेकर बड़ा आदमी तक, व्यापारी, मजदूर, किसान, हमारी गृहिणियाँ, पर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही। बढ़े हुए बिजली के बिल के मुद्दे पे जब हम लोगों ने साक्ष्य दिए, साथी विधायकों ने रखा कि जिसके नाम पे मीटर नहीं है, जिसके नाम पे कनेक्शन नहीं है, उसका भी हजारों का बिल आ रहा है, तो ऊर्जा मंत्री जी ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। जब हम लोगों ने अपनी बात असेंबली के सामने रखी, चूँकि सभापति ही अध्यक्ष महोदय ही हम सबके संरक्षण करता है, तो उनने ये व्यवस्था दी कि नहीं, ये मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश की आम जनता से जुड़ा हुआ है और इस पे माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद भी जिस प्रकार की बात, ताव की बात और डराने की बात सदन के अंदर माननीय ऊर्जा मंत्री जी कर रहे थे, तो हमने सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि आपका संरक्षण हम सबको चाहिए। अगर इस सदन में हम आम जनता की बात नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे, और अगर मंत्री इस प्रकार से धमकाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने उसको माननीय अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाए और इसी तरीके से जहां भी पूरे मध्य प्रदेश के इस तरीके से जहां विभाग द्वारा फर्जी बिल बिना कनेक्शन बिना मीटर के और उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने व्यवस्था दिए हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को निर्देशित किए हैं कि आप यदि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी बिना मीटर और बिना कनेक्शन के यदि बिल भेजे जा रहे हैं तो ऐसे बिलों पर आप कार्रवाई करें और तत्काल अपने विभाग को वहां भेज करके, और यदि वो गलत बिल है तो उसको माफ़ भी करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके पूरे मध्य प्रदेश में चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी माननीय सदस्यों ने इस पर जो है आपत्ति जाहिर किया है कि सभी मध्य प्रदेश में इसी तरीके से फर्जी बिलें अधिक बढ़ाकर के बिलें विभाग द्वारा वसूल किए जा रहे हैं और बिल जारी हो जाने के बाद विभाग किसी प्रकार के उसमें कोई संशोधन का काम नहीं करते हैं। उधर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मैंने ये कहा है सदन में, मैंने सदन में कहा है अगर कोई शिकायत है, कोई सूची है तो दो, उसकी जांच कराएंगे, वो नहीं देंगे। अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ, बिल तो दें, उसकी जांच के लिए कोई आवेदन तो हो, कोई शिकायत तो हो, उस पर हम जांच कराने को तैयार हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने बिजली बिलों को लेकर सरकार को जमकर घेरा, जहाँ कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।